जरा मार्केट सेट थ्री पता करवा लेते हैं। गौरव जी बताइए, मार्केट सेट थ्री के अंदर कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो मोटे तौर पर आ रही हैं? तो आज सबसे पहले मार्केट चैट थ्री में शुरुआत करते हैं BEL के साथ, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अगर नतीजों की बात करें तो कहीं पे हमारा रेवेन्यू जो है उसमें हमें 21% का ग्रोथ देखने को मिला था, और इसी के साथ साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें 47% का ग्रोथ जो है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर किया है YOY बेसिस पे। इसी के साथ साथ ऑर्डर बुक जो है वो भी 76,000 करोड़ पे है, और इसके चलते हुए एक तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं स्ट्राइड्स फार्मा की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स की बात करें तो अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा 10% का ग्रोथ देखने को मिला था। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 68 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉसेस में था 9.3 करोड़ के कंपनी में। और इसी के साथ साथ कंपनी ने आगे जाके कहा है कि EBITDA जो है वो 9.5 to 10,000 करोड़ में रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसी के साथ साथ नेट डेट टू EBITDA जो है वो भी घटने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और इसी के चलते हमने देखा इस शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं आस्क ऑटोमोटिव की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स की बात करें तो एक अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। जो आय थी उसमें 31% का ग्रोथ देखने को मिला था, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हमें अच्छा खासा 63% का एक अपटिक YOY बेसिस पे देखने को मिला था, और इसके चलते हुए इस शेयर में भी हमें आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं SRM कॉन्ट्रैक्टर्स की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही NHAI से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 171 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 साल का होने वाला है। इसके चलते इस कंपनी में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं AIA इंजीनियरिंग की, इस कंपनी पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि 7 तारीख को कंपनी के शेयर होल्डर्स का और बोर्ड मीटिंग होने वाला है। इसमें जो शेयर बायबैक है उसके ऊपर कुछ डिसीजन हो सकता है, और इसी के लिए यह जो बोर्ड मीटिंग है उसके ऊपर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो खबरों के दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब कंपनीज में आज हमें अच्छा एक्शन देखने को मिला था, आगे जाके भी इन सब कंपनीज में नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। ठीक है, ये तमाम कंपनीज जहां पर खबरों का एक्शन है, लेकिन एक शेयर जिसके नतीजे भी थोड़ी देर पहले ही आए थे और उसको गौरव हाईलाइट भी कर रहे हैं कि आस्क ऑटोमोटिव की आय में 31% और मुनाफे में 63% की बढ़ोतरी है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, टू व्हीलर के ये पार्ट्स कल पुर्जे बनाती है ये। और आस्क ऑटोमोटिव लास्ट ईयर की लिस्टिंग है, आई थिंक अक्टूबर या नवंबर के बीच में 300 रुपये के आसपास का इसका भाव था ऑटोमोटिव का, और वहाँ से ठीक ठाक रिटर्न दिए हैं आस्क ऑटोमोटिव ने। इसके बारे में श्रीकांत जी आपसे जानना चाहेंगे, आस्क ऑटोमोटिव कैसा लग रहा है आपको ये चार्ट पर, और क्या सलाह देंगे इस पर आप? श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए वैसे आस्क ऑटोमोटिव में भी अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो वैसे हिस्ट्री अगर इसकी देखा जाए तो 1-1.5 साल की हिस्ट्री है, लेकिन जो इसके ओवरऑल वॉल्यूम बेस्ड पैटर्न अगर आप देखें और वहां पे अगर आप कुछ एवरेजेस अगर सेट कर सकते हैं तो एक बात समझ में आती है कि जैसे ये स्विंग हाई क्रॉस करता है उसके बाद इसमें बड़ी तेजी बनती है। इस बार भी अगर आप देखें तो इसने रिजल्ट के दौरान अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस किया 406-410 को, और इसमें बड़ी तेजी बनी। मुझे लगता है कि इसका ये ट्रेंड जारी रहेगा क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी है, तो एवरेजेस काफी स्ट्रांग शेप में कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। लगता है कि स्टॉक कम से कम 475 से लेकर 500 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर पोजिशनल व्यू है, अगर इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके पास है तो मैं कहूंगा कि आप इसे होल्ड करके रखें। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल लेना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, 390 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि स्टॉक हाल ही में चला हुआ है, करेक्शन आए तो फिर आप आपके ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है, बड़ा स्टॉप लॉस देने से आपकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो ये ट्रेड कंट्रोल में आ जाता है। हमें लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे पोजिशनल व्यू के साथ लॉन्ग करें, 475 से लेकर 500 के टारगेट्स नजर आते हैं।